मनोज दे जैसा YouTube बैनर कैसे बनाएं अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मनोज दे जैसा YouTube बैनर कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों जो टैंपलेट इसमें यूज होगा उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है टैंपलेट को। दोस्तों जो स्टेप मैं वीडियो में बताता हूँ उसको फॉलो करें और आपका बैनर बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। दोस्तों YouTube बैनर बनाने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। इस तरह से इसको डिलीट कर देना है। दोस्तों आपको सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर इमेज साइज पर क्लिक करना है, फिर कस्टम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। फिर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ओके कर देना है। इसको यहाँ से पूरा कर देना है इस तरह से। फिर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर सेप्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से इसको इस तरह से पूरा कर देना है। पूरा करने के बाद आपको इसका कलर भी चेंज कर देना है, इसको थोड़ा नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर कलर देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इसको ब्लैक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। फिर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको ये वाली PNG ऐड करनी है इसमें, फिर यहाँ से सही वाले निशान पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे जाना है, फिर यहाँ से रिलेटिव सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको बंद कर देना है यहाँ से, फिर इसको पूरा 100 तक कर देना है, फिर दोस्तों यहाँ से टिक कर देना है। फिर दोस्तों नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद कलर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसको पीला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों ओके कर देना है। फिर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, फिर आपको ये वाला PNG ऐड करनी है इसमें, फिर दोस्तों इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसकी साइज को छोटा कर लेना है इस तरह से, यहाँ पर क्लिक करना है रिलेटिव साइज पर, फिर यहाँ से इसकी साइज को छोटा कर देना है, इसको यहाँ पर सेट कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पर, क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको अपनी एक फ़ोटो ऐड करनी है इसमें, आपको यहाँ से क्लिक करना है यहाँ पर, फिर इसको गोल कर देना है इस तरह से। फिर दोस्तों इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इसको रिलेटिव साइज पर क्लिक करना है, फिर इसकी भी साइज को छोटा कर देना है, फिर इसको यहाँ पर सेट कर देना है इस तरह से। सेट करने के बाद इसको लॉक भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको लॉक कर देना है, इसको भी लॉक कर देना है, इसको भी लॉक कर देना है। फिर दोस्तों आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको ये वाली PNG ऐड करनी है इसमें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों इसकी भी साइज को छोटा कर देना है, रिलेटिव साइज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी भी साइज को छोटा कर देना है, फिर दोस्तों इसको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर दोस्तों इसकी एक कॉपी कर लेना है, यहाँ से क्लिक करना है कॉपी वाले ऑप्शन पर, फिर दोस्तों इसकी कॉपी हो जाएगी यहाँ से। फिर दोस्तों इसको यहाँ से रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद इसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। फिर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डबल टाइप करना है। डबल टाइप करने के बाद आप अपना यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हैं, फिर यहाँ से डन कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद आप इसका फ्रंट भी चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप इसका फ्रंट चेंज कर सकते हैं। ए बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद रिसेंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं ये वाला फ्रंट ऐड करूँगा इसमें, फिर यहाँ से ओके कर देना है। फिर दोस्तों इसको यहाँ से जूम कर देना है, यहाँ पर सेट कर देना है इसको। फिर दोस्तों इसका कलर भी चेंज कर देना है थोड़ा। फिर दोस्तों आपको थोड़ा ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद कलर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर कर देना है बीच में बिल्कुल। फिर दोस्तों यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना है, दोस्तों ये वाले कलर को चेंज कर देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, फिर आपको ये वाला PNG ऐड कर लेना है इसमें, यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों इसकी साइज को भी छोटा कर देना है, इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर दोस्तों प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर डबल टैप करना है, फिर यहाँ से लिखना है फॉलो मी हेयर। यहाँ से डन कर देना है, फिर दोस्तों ओके करना है।
ओके करने के बाद इसको नीचे लाना है, इसको यहाँ पर सेट कर देना है। फिर दोस्तों इसका भी फ्रंट चेंज कर देना है, यहाँ पर ए बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको इनमें से जो भी फ्रंट अच्छा लगता है उसको चेंज कर देना है। तो दोस्तों मेरे को ये वाला फ्रंट अच्छा लगता है, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों ओके कर देना है, ओके करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देना है। फिर दोस्तों प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से ये वाली PNG को ऐड कर लेना है। फिर दोस्तों इसको ओके करना है, ओके करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देना है। और दोस्तों इन सभी को लॉक कर देना है कि ये हिले डुले ना, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी लॉक करना है, इसको भी लॉक कर देना है, इन सभी को लॉक कर देना है दोस्तों। फ़ोटो पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है, स्ट्रोक को ऑन कर देना है, इसको 4 नंबर तक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों इसको HD क्वालिटी में कैसे सेव करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एन इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टम पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे जाना है, अल्ट्रा पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से अल्ट्रा HD क्वालिटी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से यूट्यूब बैनर बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।